स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हेडोरो डॉक्टर में। और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी जानकारी के साथ में हाजिर हुआ हूँ। जानकारी यह है कि पोस्टमाजर का जो कंक्रीट पंप है, इसके बारे में मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है आपको कि शुरू से लेकर आखिर तक हमें किस तरह से इसको ऑपरेट करना चाहिए, कहाँ इसकी रीडिंग होती है, कहाँ इसके RPM होते हैं, सारी जानकारी पूरे डिस्प्ले में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। कहीं पर आप इंटरव्यू देने के लिए अगर जाते हैं तो वो बंदा अगर सवाल करने लगता है आपसे कि भाई इस पंप में क्या क्या होता है, किस तरह से चलाना चाहिए, तो वो सारी जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। वीडियो को बिना स्किप्ट किए हुए पूरी देखोगे तभी आपको इसकी जानकारी मिलेगी। और इस तरह की जानकारी भरी वीडियो आपको पता ही हमारे चैनल से आप लोगों को मिलती रहती हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएँ दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी भरी वीडियो आपको जब मिलेंगी तो आप जो है और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो हम आप लोगों को पता है कि हम लोग वीडियो के अलावा क्वालिटी भी आपको देते हैं, तो देर ना लगाते हुए हम आपको दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं हम। यहाँ देखिए स्विच ऑन कर लें आप, उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जो कि मैं इसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप मेनू खोलें। मेनू खोलने के बाद में क्या होगा, आप जो है लगातार 2-3 बार ये बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद में आपको दिखाई देगा कि सेंसर का सिस्टम है जो कि हमें कंफर्म करना होता है, क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई हमारा आखिरकार सेंसर कौन सा वाला काम नहीं कर रहा, कौन सा वाला सेंसर वर्क नहीं कर रहा। तो यहाँ से आप ऑफ करके देख लें। तो आप जब आप इसको बाईपास ऑन कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई हमारा जो है फला वाला सेंसर काम नहीं कर रहा। तो उसी तरीके से आप सेंसर को चेक कर लें, और सेंसर चेक करने के बाद में आपका सारा कुछ डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पासवर्ड है दोस्तों, पासवर्ड जो है इंजीनियर की सलाह के अनुसार ही चेंज करें, नहीं तो इसमें क्या होता है नया बंदे के लिए दिक्कत हो जाती है। अब ये इस तरह का इंटरफेस आ जाता है दोस्तों यहाँ पर मेनू में। यहाँ सबसे पहले आपको फ्यूल मीटर दिखाई देगा। फ्यूल मीटर में क्या है कि दिखाई देगा कि 100% है या फिर कितना है। और यहाँ पर दोस्तों RPM जो कि RPM शो करता है, और यहाँ पर कितना MBU कंक्रीट निकल चुकी है वो यहाँ पर शो करेगा वो सारा। और यहाँ पर आपकी जो रियर डिस्प्ले है जो हाइड्रोलिक की है, ये रेड हो जाता है तो आपके फंक्शन काम करना बंद कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखें, ये ग्रीन रहता है। और यहाँ पर बैटरी का थोड़ा सिग्नल दिखा रहा है, और ये जो है यहाँ इमरजेंसी लग जाती है दोस्तों, इमरजेंसी के साथ साथ ये और सारे काफ़ी सारे ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर एरियर जब दिखाता है तो दोस्तों फंक्शन आपके काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर फ्यूल मीटर है, जब आपका फ्यूल जो है ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर रेड सिग्नल देने लगता है। और दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं हम रैंपों पे, जो रैंप होते हैं अपने सिलेंडर के अंदर, वो यहाँ शो करता है कि यहाँ पर हमारा आखिरकार रैंप किस जगह पर मौजूद है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होकर के आपस में चलते हैं, ये छोड़ छोड़ करके कि अभी एक अंदर जाएगा तो एक बाहर को आएगा। और दोस्तों यहाँ पर जब हम जब आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है आपकी रीडिंग, वो यहाँ पर आपकी रीडिंग शो करता है पंप पोस्टमाइजर का। यहाँ पर रीडिंग शो करता है, यहाँ डीजल शो करता है कितना है, यहाँ पर बैटरी का दिखाता है कि कितनी ताकत है, यहाँ पर RPM शो करता है कितने RPM पर हमारा इंजन चल रहा है। तो इस तरह से, और यहाँ पर आपको बत्ती इसकी मिल जाती है ऑयल की, और ये जो है टेम्परेचर की है, और यहाँ इंजन स्टेटस पूरा जानकारी लिखा होता है। तो अब जो है हम चलते हैं दोस्तों आगे का, तो नीचे चलेंगे दोस्तों मैनुअल पर। और मैनुअल जो है आपका ये जो है रीसेट बटन है ऑन करने के बाद में, और यह जो है बाईपास ऑन करने वाला सिस्टम है जो कि अंदर से करना पड़ता है दोस्तों, अंदर भी एक स्विच लगी हुई होती है इसमें। इसको आप जब अप करेंगे तो आपका बत्ती जो है बाहर से ऑन हो जाएगी और आपका जो है बाईपास फंक्शन चालू हो जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ हमने बाईपास ऑन कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह करेगा। यहाँ इमरजेंसी थोड़ी सी देखने को मिल जाती है, ये देखिए अब बाईपास ऑन है, और जब आप स्विच डाउन करेंगे तो आपका बाईपास बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा कि हाँ बाईपास हमने ऑन कर रखा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको करते हैं रीसेट। रीसेट करने के बाद ऊपर वो कर लेते हैं तो फंक्शन जो है सारे चालू हो जाते हैं। यहाँ एजिटेटर शाफ्ट के लिए फंक्शन दिखाई देते हैं कि एजिटेटर शाफ्ट है, और यहाँ जब आप डाउन में जाएंगे तो कंक्रीट फॉरवर्ड हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और बाकी जो है आगे का जो रहेगा वो जब आप करेंगे तो आपका चलेगा। यहाँ इमरजेंसी दोस्तों, जब कोई इमरजेंसी पड़ जाएगी दोस्तों तो इमरजेंसी मार देंगे और आपकी बंद हो जाएगी। तो ये सब तो थी जानकारी पंप के बारे में। और अब मैं चलता हूँ दोस्तों फ्यूज बॉक्स पर। फ्यूज बॉक्स की क्या है कि इसके बारे में जानकारी दोस्तों काफ़ी सारे भाइयों को नहीं होती है, और बहुत से लोगों को पता भी होती है, लेकिन आप लोगों को भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। वो थोड़ा निकालना पड़ेगा, ये देखिए अब मैंने इसको निकाल दिया। रेड वाला जो फ्यूज़ है 7.5 का, 7.5 जो फ्यूज़ है इसका आप मेन मान सकते हैं, और ग्रीन का है वो भी आप मेन है। तो इस तरह से
ये सब फ्यूज हैं, इनको आप बारी बारी से चेक कर लेंगे। और बाकी डिस्प्ले जो ब्लिंक कर रही है 32 के अंदर, ये भी दिखाई देगी। और ये सब चीज़ें वायर है और ये सेंसर बाईपास करने का सिस्टम है। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी ना हो तो आप लोग इसमें कोई छेड़खानी ना करें फ्यूज बॉक्स को छोड़ करके। और पूरी लॉन्ग वीडियो भी आपको मैं किसी दिन दूंगा। यहाँ से आपको ग्रीसिंग का सिस्टम है, जो बार बार हम लोग बोलते हैं कि ग्रीसिंग सिस्टम को अपडेट रखें। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी वो अपने फीडबैक दे सकते हैं। बाकी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।